उज्जैन पहुंची मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल। उज्जैन पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया, जिसके बाद उन्होंने नागझिरी स्थित होमगार्ड लाइन पर जाकर होमगार्ड महिलाओं की हो रही ट्रेनिंग को लेकर निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल होमगार्ड कार्यालय पहुंचे। उसके पहले उनको नियम के अनुसार सलामी देकर उनका सम्मान समारोह किया गया, जिसके बाद परेड ग्राउंड जहां पर महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही थी निरीक्षण किया गया। जब हमारी टीम पहुंची, होमगार्ड में कुछ कमियां देखी, उन कमियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल से पूछा गया। परेड ग्राउंड कच्चा, जरा सा पानी में कीचड़ बन जाता है, उसी के साथ बाउंड्री वॉल नल की उचित व्यवस्था और होमगार्ड पुलिस कर्मियों के लिए उनके रहने की व्यवस्था को लेकर खास चर्चा की गई। चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि आपके द्वारा पूछी गई बातों को लेकर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में सारी समस्याओं को बताऊंगा और शीघ्र इसका समाधान कराऊंगा। इस अवसर पर उनके साथ होमगार्ड डिवीजन कमांडेंट श्रीमती प्रीति बाला सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष सिंह जाट, कंपनी कमांडेंट मीनाक्षी सिंह, प्लाटून कमांडर के एल शिंदे, संपूर्ण पुलिसकर्मी होमगार्ड उपस्थित रहे। की गई थी कि अगर समाज पर, देश पर, व्यक्ति या समूह कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई बाढ़, भूकंप या किसी प्रकार की कोई आकस्मिक घटना होती है, उस समय ये रिजर्व फोर्स है हमारा, होमगार्ड इनको भेजते हैं और ये प्रशिक्षित होते हैं और संकट से देश को भी बचाते हैं और समाज को भी बचाते हैं, व्यक्ति को बचाते हैं। और आपने सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब सिंहस्थ होता है तो सबसे अधिक मेहनत अगर कोई वर्ग करता है तो हमारे होमगार्ड के जवान बहनें और भाई करते हैं, और उन्होंने इस सिंहस्थ में उत्कृष्ट कार्य किया है, जनता को सबसे अधिक सेवाएं दी हैं, लोगों को जैसे छिपरा में स्नान करने जाते हैं उस समय भी ड्यूटी रहती है एक के भाई बहन के हमारे होमगार्ड के जवान की, और वो उनको सुरक्षित निकालते हैं, और सबसे अच्छा कार्य किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी होमगार्ड की बहुत प्रशंसा की है और हम भी सब करते ही हैं, और इसलिए जितने भी लोग होमगार्ड के जवान यहाँ पर लगे थे उनको नियमित करने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने किया और उनको स्थायी करने का काम किया, इसलिए किया कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है, और इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। और आज जो आपदा के समय आपदा प्रबंधन कैसा किया जाए, लोगों को सुरक्षित कैसा निकाला जाए, उसकी ट्रेनिंग हमारी महिला शक्ति, मातृशक्ति बहनें प्रशिक्षण ले रही है पूरे प्रदेश से आके आपदा प्रबंधन का, तो उनका हौसला बुलंद करने, उनको शुभकामनाएं देने, उनका अभिनंदन करने मुझे अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन सब बहनों से मिलने का अवसर मिला, और जो समाज और देश के लिए, और इसलिए मैंने कहा है कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन उसका सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जिए, परोपकार करे, समाज और राष्ट्र की सेवा करके अपना जीवन जिए, और उसी काम में हमारे होमगार्ड के जवान भाई और बहन लगे हैं, और विशेष करके हमारी बहनें जो समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए आगे आई हैं और आपदा के समय, संकट के समय अपनी जान जोखिम में डालकर और लोगों की जान बचाते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं, उस काम में लगी हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।